हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें आज हम बात करेंगे आपके मॉर्निंग में 6 आदतें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको फैट लॉस करने में बहुत हेल्प होगी। तो चलो मैं आज आपको बताऊंगा कि फैट लॉस की जर्नी में आपको 6 आदतें ऐसी कौन सी होनी चाहिए जिससे आपको फैट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो चलो अभी हम फर्स्टली बात करते हैं। आप जब सुबह मॉर्निंग उठते हो तो उठने के बाद आपको फर्स्टली वार्म वाटर पीना चाहिए। वार्म वाटर मतलब आपको पानी भी इतना ज्यादा हीटेड नहीं रखना है कि आपको पेट में ज्यादा दिक्कत हो जाए। बस वार्म वाटर, लाइट वार्म होना बहुत जरूरी होता है। और लाइट वार्म वाटर से आपके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। आपको वार्म वाटर पीने से बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी और फैट लॉस करने में वार्म वाटर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप जब मॉर्निंग वार्म वाटर पियोगे ना तो बहुत और इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू आप इवनिंग पियोगे, उससे भी बेहतर ज्यादा मॉर्निंग में पीना बहुत जरूरी। चलो अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। तो आपको वार्म वाटर पीने के बाद आपको वार्म वाटर के साथ साथ लेमन भी यूज करना बहुत जरूरी होता है। मतलब लेमन वाटर, आप शॉर्ट में बोल दिया तो उसको लेमन वाटर बोल सकते हैं। लेमन वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको मतलब जब चाय की आदत हो तो आप उसकी जगह आप लेमन वाटर लीजिए। आप सब लोग जॉब करते होंगे, आपको तो टी आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन आपको लेमन वाटर आपके जॉब लोकेशन पे अवेलेबल नहीं हो सकता। तो आप जितना हो सके मॉर्निंग में ही आपको लेमन वाटर लेना बहुत जरूरी होता है। लेमन वाटर लेने से आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी, आपको दिन भर अच्छा फील होगा, मतलब आप फ्रेश रहोगे, ऐसा स्ट्रेस वगैरह नहीं आएगा आपको। तो ये इम्पोर्टेंट होता है आपके लेमन वाटर। कई कई लोगों को ऐसा होता है कि लेमन वाटर मतलब अच्छा नहीं लगता, उनको स्वीट्स वगैरह खाने की बहुत आदत होती है। तो आप लेमन वाटर के साथ आप हनी एड्स कर सकते हो। हनी आपको मतलब पता है शहद होता है, जिससे बहुत अच्छा ग्लूकोज आपकी बॉडी को मिलेगा। और लेमन वाटर प्लस पियोगे तब आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी, बहुत अच्छा फील करेगी और डाइजेशन में बहुत हेल्प होगी आपकी बॉडी को। ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको लेमन वाटर प्लस हनी से मिलेगा। तो अब आते हैं आपके थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये फैट लॉस में बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल है। सनलाइट में आपके विटामिन डी होते हैं, आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आप जैसे आप बिजी शेड्यूल में होते हो, सपोज आपको टाइम वगैरह नहीं मिलता, तो आप कुछ भी जो छोटी मोटी काम्स वगैरह होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं जैसे सब्जी काटना या कुछ भी काम, आपका थोड़ा सा रिटर्न वर्क भी होगा, तो आप अपने टेरेस के ऊपर सनलाइट में जाकर मॉर्निंग में आप वो काम कर सकते हो। मतलब आपका बेनिफिट भी होगा और आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सनलाइट लेना बहुत ही जरूरी होता है। आपको सनलाइट की वजह से विटामिन डी मिलेगा और आप बहुत अच्छा, मतलब सनलाइट लेने से आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस भी फील होगा। तो ये इंपॉर्टेंट सनलाइट। तो चलो अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पे, आपके फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो वो होता है वॉकिंग, और शॉर्ट में कहा जाए तो उसको जॉगिंग भी कह सकते हैं आप। तो वॉकिंग की बात किया जाए तो आप जब वॉकिंग करोगे मॉर्निंग में तो आपको फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा आपको मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आपको वॉकिंग करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। आप ग्रीन ग्रास के ऊपर चलोगे मॉर्निंग पे, जो गार्डन्स वगैरह होते हैं वहां पे ग्रीन ग्रास वगैरह होते, उसके ऊपर चलोगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब फील होगा, बॉडी अच्छी रहेगी मेजोरिटी ऐसा होता है। तो आपको डेली 25 या 30 मिनट जॉगिंग करनी चाहिए। आपको 25 या 30 मिनट नहीं हो सकता तो आप मे बी 20 मिनट्स तो जॉगिंग करना ही करना है। आपको बहुत अच्छा फील होगा, मतलब फ्रेशनेस रहेगा आपके बॉडी में। और सपोज आप जॉगिंग करते समय आपको बोरिंग होता होगा, अकेले आप जॉगिंग नहीं कर सकते, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जॉगिंग कर सकते हो बात करते करते। और आपको और भी आपको एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन है, आप म्यूजिक तो आप सब सुनते ही होंगे, म्यूजिक सुनना तो आपको बोरिंग नहीं होगा और आप अच्छे से जॉगिंग कर पाओगे। तो अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। हमारा फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा ब्रेकफास्ट। मेजोरिटी लोगों का क्वेश्चन होता है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाए। यार ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके फैट लॉस करने में। ऐसा नहीं कि आप कम खाओगे तो आपका फैट लॉस होगा,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हेल्दी खाओगे तो आपका फैट लॉस जरूर होगा। हेल्दी फैट मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। हेल्दी फैट मतलब गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, गुड अमाउंट ऑफ फैट, गुड अमाउंट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो चीजें होती है ना खाने के अंदर, वो आपके ब्रेकफास्ट में होना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको बात किया जाए तो आप स्प्राउट्स खा सकते हैं मॉर्निंग में, स्वीट पोटैटो है, एग खा सकते हैं, आप मिल्क भी ले सकते हैं बट विदाउट शुगर। आपको मिल्क के अंदर शुगर नहीं लेना चाहिए। आप शुगर लेंगे तो आपको फैट लॉस करने के लिए हम इतना सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको शुगर अवॉइड करना है। तो आपको स्प्राउट्स हो गया, बनाना हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, तो ये चीजें आप ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो। ओट्स वगैरह आप बहुत अच्छी तरह से प्रोटीन सोर्स बोल के इसको खा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके ब्रेकफास्ट में होना बहुत ही जरूरी है। तो अब सिक्स नंबर पे आता है, आपने तो सब चीजें कर ली, वॉकिंग कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आपको कैलोरीज भी देखना चाहिए। आपको कैलोरीज मतलब क्या होता है आपको, तो सपोज आपने मॉर्निंग में चाय पीने की आदत बहुत ही आपको, तो आप मॉर्निंग में शुगर वाली चाय पी ली, तो आपको ये चीजें देखना चाहिए कि आप मॉर्निंग में सुबह 1 कप ऑफ टी में शुगर होता है, तो आपने मॉर्निंग में पी लिया तो आपको इवनिंग में वो शुगर अवॉइड करना है। आपको दिन भर बाद में शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ये चीजें ऐसी होती है, आपको कैलोरीज पर रहना चाहिए, मतलब जो फैटी चीजें होती है ना वो नहीं खाना चाहिए आपको। आपको फैट लॉस करना है तो आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये चीजें आपके डाइट में होना बहुत ही जरूरत है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप के फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए और आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा।